असलम क्रिएटिव राइटिंग कोर्स का ये सेशन है फेजेस ऑफ राइटिंग की एक समरी राइटिंग में जैसे कि हमें मालूम है कि उसकी कोई सिर्फ लिखने का अमल नहीं होता बल्कि उससे पहले और उसके बाद के भी कुछ होते हैं तो उसकी एक क्विक समरी और रिकेप हम देखते हैं प्लानिंग uh, क्योंकि कहा जाता है कि इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो आपकी तैयारी पूरी है फेल होने के लिए किसी भी काम के लिए इसी तरह राइटिंग में भी प्लानिंग ज़रूरी है उसमें आप आउटलाइन तैयार करने के लिए ब्रेन करें अपने सारे जो ख्याल हैं उस टॉपिक से मुक्त जो आपका मौजू है लिखने का यू गेट दैम ऑल डाउन एंड विदाउट सेंसरिंग योर सेल्फ विदाउट फिल्टरिंग एनी थिंग यू जस्ट पुर इट डाउन ऑन पेपर एंड देन लेटर ऑन यू सी वाट इज द शॉर्ट लिस्ट एंड वॉट इज द कैटेगराइजिंग ऑफ दोज थिंग्स उसके अलावा आप माइंड मैप बना सकते हैं क्योंकि सम पीपल लर्न बेटर थ्रू विजुअल्स एंड सो फॉर देम अ माइंड मैप इज़ अ बेटर डिवाइस तो वो एक कोई जैसे आप इमेज में भी देख सकते हैं कि एक कोई खाका है और मेन टॉपिक बीच में है फिर उसमें से ब्रांचेस निकल रही हैं उसके जो रेलिवेंट सब टॉपिक्स हैं और फिर सब टॉपिक्स के नीचे जो पॉइंट्स हैं वो आप इस इमेज या डायग्राम के थ्रू कर सकते हैं उसके अलावा रिसर्च का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है रिसर्च के बगैर कोई चीज़ नहीं होती क्योंकि अभी तो आपने ब्रेन में अपने आइडियाज़ जो प्री एग्जिस्टिंग थे वो आपने सामने निकाल के रख लिया है लेकिन अब ज़रूरी है कि आप मालूम इकट्ठी कर करें डिफरेंट व्यू पॉइंट्स लें डिफरेंट परस्पेक्टिव लें डिफरेंट जोग्राफिकल रीजनस में क्या है सबसे अच्छी रिसोर्स है प्रिंटेड मटीरियल चाहे वो बुक्स हों चाहे मैगजीनस हो मैनुल्स हों हो, हो कुछ भी ऑनलाइन सोर्स भी हैं उसकी सबसे बड़ी रिसोर्स राइटर के पास ऑब्जर्वेशन भी होती है अगर आप किसी बस स्टॉप पे बैठे हैं या एयरपोर्ट पे बैठे हैं अपनी गाड़ी का या जहाज़ का इंतज़ार कर रहे हैं यू लुक अराउंड यू यू सी फैमिलीज़ यू सी इंडिविजुअल्स एंड एज अ राइटर यू कैन इमेजिन कि इनकी पीछे क्या स्टोरी है ये कहाँ से आए हैं कहाँ जा रहे दैट कैन दैट काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन कैन गिव यू इंटरेस्टिंग लीड्स इन टू पॉसिबिलिटीज फॉर स्टोरीज और जहाँ पर आपने कोई फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड चीज़ करनी हो तो उसमें फिर आप एक्सपर्ट से या जिन लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस है उनसे इंटरव्यू भी ले सकते हैं इंटरव्यू को स्ट्रक्चर करें उसको भी उसकी अलग से एक तैयारी करें क्या सवाल पूछने क्या नहीं पूछने और थोड़ी सी फ्लैक्सीबिलिटी रखें डिपेंडिंग ऑन हाउ द कॉन्वर्सेशन गोज और इसके जरिए भी आप इंफॉर्मेशन अपने लिए इकट्ठी कर सकते हैं ये जो सारी सोर्सेज हमने बताई हैं इसमें से कि इंफॉर्मेशन आप सबकी सब यूज़ सब नहीं करेंगे लेकिन वंस यू हैव ऑल दिस इट्स गोइंग टू गिव यू कॉन्फिडेंस इट्स गोइंग टू गिव यू अ स्ट्रॉग वॉइस एंड अ क्रेडिबिलिटी दैट द रीडर्स एंड द क्लाइंट दैट यूर वर्किंग फॉर विल ऑल्सो रिकगनाइज तो ये आपको एक फर्म ग्राउंड देगा जिसके ऊपर खड़े होकर फिर आप अपनी राइटिंग करेंगे बेशक वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड है या फिक्शन है या जो भी कोई चीज़ है इट्स इम्पोर्टेंट टू नो कि बाहर हो क्या रहा है उस टॉपिक के मुतल राइटिंग में एक तो ये है कि आपको ज़रूरी है एक कोई घर का कोना ऐसा हो जिसमें आपके आराम से बैठने की जगह हो और जहाँ पे आपकी राइटिंग से रिलेटेड चीज़ें कोई नोटबुक स्टेशनरी जो भी आप गैजेट यूज़ कर रहे हैं लैपटॉप वगैरह जो उसकी एक्सटेंशन वायर एवरीथिंग दैट्स देयर टू मेक इट कंफर्टेबल फॉर यू ताकि बार बार उठना ना पड़े आपको कभी ये चीज़ लेने के लिए या कभी वो चीज़ लेने के लिए राइटिंग एक्साइटिंग चीज़ है ये पैशन का काम है लेकिन हर काम को ठीक करने के लिए थोड़ा सा डिसिप्लिन और परसिवियरेंस जरूरी होती है उसको ग्रिट का नाम भी देते हैं बेसिकली इट मीन्स यू डोंट गिव अप अक्सर वेन वी स्टार्ट समथिंग न्यू वी आर वेरी एक्साइटेड वैन वी आर फिनिशिंग इट ऑल्सो वी आर एक्साइटेड बट वैन वी गेट इन द मिडल दैट्स वैन यू थिंक ओ विल वी गेट थ्रू दिस एवर उस वक्त जो वो मोटिवेशन और एक एंथूजियाजम्स से वो थोड़ा सा डाउन होता है और इम्पॉर्टेंट है कि उसको आप सस्टेन करके रखें दैट्स वेयर डिसिप्लिन कम्स इन सो डोंट जस्ट लुक फॉर इंस्परेशन और वेट फॉर इंस्परेशन बट मेक अ फिक्सड टाइम जिसमें कि आपने ये अपना लिखने का काम करना है तो ताकि आप प्रैक्टिस में भी रहें और अपनी आप, डेडलाइंस भी मीट कर सकें राइटर्स ब्लॉक कागज पर आप लिखते जा रहे हैं फाड़ पाड़ के फेंकते जा रहे हैं कुछ जुमला लिख रहे हैं डिलीट कर रहे हैं यू जस्ट कांट गेट इट राइट इट हैपन्स टू द बेस्ट ऑफ राइटर्स देर इज़ नथिंग रॉन्ग विज इट एवरी वन एक्सपीरियंस इज इट उसको देर इज नो नीड टू फाइट इट लेकिन यह कि उसके तरीके हैं कुछ तो ये कि आप ब्रेक ले लें या कोई फिजिकल एक्सरसाइज करें जिससे कि आ, आपका ध्यान बिल्कुल हट जाए और फिर आपको व्हेन यू कम बैक टू इट तो फिर हो सकता है आपको कोई नए आइडियाज़ आ, आ जाएं या आपका फ्लो बन जाए दूसरा ये है कि आप घड़ी सामने रख के पाँच मिनट का टाइम दें कि इसमें हमने आ, जो है एक फ्री राइटिंग करनी है ना दिस इज़ नॉट योर एक्चुअल राइटिंग फॉर योर असाइनमेंट और प्रोजेक्ट बट दिस इज़ जस्ट फ्री राइटिंग जो आपके पास एक दो आ, कोई प्रॉम्प्ट्स हैं उनको फॉलो करते हुए आप लिखें जैसे आपकी कोई पसंद की किताब है आप उसको खोलें उसका कोई फेवरेट सेंटेंस लें और उसको अपना टॉपिक बनाते हुए या प्रॉम्प्ट बनाते हुए उसके आगे से लिखना जारी रखें जैसे आ, टेल ऑफ टू सिटीज़ का पहला सेंटेंस है इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स एंड इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स इस सेंटेंस को लें और आप आगे लिखते रहें पाँच मिनट जो आपके दिमाग में आते हैं समथिंग लाइक ब्रेन स्टॉमिंग बट एक्सेप्ट यूर डूंग टेक्सट एंड नॉट बुलेट पॉइंट्स इन दिस सो दैट्स वन वे या आप कोई सिचुएशन ले लें ले या कोई लोकेशन ले लें कि भाई इन अ डॉक्टर्स ऑफिस या इन अ पार्क या इन साइड अ प्रिजन और उस लोकेशन के और सिचुएशन के बारे में जो आपके दिमाग में आता है आप लिखते जाए सो दैट माइट गेट योर फ्लो गोइंग अगेन एंड यू कैन गेट ओवर द राइटर्स ब्लॉक और यह भी होता है कई दफ़ा कि राइटर्स ब्लॉक में आपको परेशानी तो होती है कि ये मैंने लिखना है डेडलाइन कैसे मीट होगी हावर उस वक्त आपका दिमाग के व्हील्स टर्न कर रहे होते हैं एंड द माइंड इज़ इन द इक्यूबेशन प्रोसेस जो आइडियाज़ हैं वो वहाँ पर पक रहे हैं तैयार हो रहे हैं और फिर वो राइप हो के सामने आ जाएंगे क्योंकि आप सब कॉन्शियसली उसके ऊपर इट्स नॉट लाइक योर नॉट वर्किंग ऑन इट योर सबकॉन्शियस इज़ वर्किंग ऑन इट और लिखने के बाद आता है काम उसको आप रिव्यू करें दोबारा से पढ़ें एडिट करें दोबारा से जो हिस्से जिनको लिखने की जरूरत है उनको लिखें जो हिस्से डिलीट करने की ज़रूरत है उनको बेदर्दी से डिलीट करें डोंट बी इमोशनली अटैच टू इट थिंक अबाउट योर ऑडियंस वेन यूर राइटिंग यू थिंक अबाउट योर ओन फ्लो एंड यू राइट बट वैन यूर एडिटिंग यू हैव टू एडिट विद द डोर ओपन यानी कि अपने बाहर की दुनिया से अवेयर होते हुए आपको एडिटिंग करनी होती है तो इसलिए उसमें ये सारी चीज़ें रखते हुए और आप अपने आ, सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे बल्कि ऑडियंस का सोचते हुए या अपने क्लाइंट का सोचते हुए उसमें जो तब्दीली चाहिए वो लाएंगे एंड देन इट विल गेट अ फिनिश्ड स्टेट सो दिस इज़ द समरी ऑफ द फेजेज़ इन राइटिंग थैंक यू